रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन का ट्रेलर आया है, वो भी 5 मिनट का, लिटरली 5 मिनट का। एक शॉर्ट मूवी घोषित क्यों नहीं कर देते इसको? क्योंकि आमतौर पर ट्रेलर होते हैं 3 मिनट के, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट तक। ये 5 मिनट का ट्रेलर लाना जिसमें ये सब कुछ रिवील कर देना कि किसका कैमियो है, कौन एंड साइड आएगा और कौन बीच में आएगा, इन सब चीजों को रिवील होने के बाद भी बात करेंगे कि ट्रेलर कैसा है। सच बोलूं तो ट्रेलर को देखते समय 5 मिनट कैसे लिख ले ये मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि कुछ न कुछ सेकंड के बाद नया कैरेक्टर का आना और उनका डायलॉग बोलना जो पावरफुल लगते हैं, जैसे गूगल पर बाजीराव टाइप कर ले पता चल जाएगा कि तेरा बाप क्या चीज है, और ये वाला भी डायलॉग। भारत की ये प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। और ऐसे बहुत से डायलॉग हैं जो हर एक के एंट्री सीन पर हैं और हर एक का अपना अपना डायलॉग, बस टाइगर को छोड़कर, क्योंकि वो थोड़ा उछल कूद करने में व्यस्त थे। पूरी मूवी की स्टोरी रामायण से इंस्पायर्ड होगी, क्योंकि ट्रेलर में हमें बहुत सी जगह ऐसा दिखाया गया है कि सिम्बा को एज अ हनुमान जी और टाइगर कैरेक्टर को एज अ लक्ष्मण और रावण के तौर पर दिखेंगे अर्जुन कपूर। अब ये मत सोच लेना कि वो उस जमाने के पोशाक वोशाक में दिखेंगे, बस खाली इनको वैसे टाइप इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि इस जमाने का रावण ये है और इस जमाने का राम ये है। ट्रेलर के बहुत से सीन या कहो अधिकतर सीन आपने सूर्यवंशी में जरूर ही देखे होंगे, जैसे करीना को चारों तरफ से घेर लेने वाला सीन, बस उसकी जगह कैटरीना को रख दो, सेम सूर्यवंशी वाला सीन होगा वो। और वो चल के आने वाला सीन जिसमें पीछे तरफ ब्लास्ट होता है, वो सेम सीन सूर्यवंशी में भी है। ट्रेलर में मुझे इतने बड़े बड़े एक्टर देखने को मिले हैं जिनका खाली नाम बस लूं तो 5 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा से याद आया। अर्जुन कपूर जिनकी लाइफ से हिट नाम का शब्द निकल गया था, वो इस मूवी से शायद वापस आ सकता है। ट्रेलर ठीक भी है और नहीं भी, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजों को रिवील कर दिया है कि कौन कौन होंगे, और एक्साइटमेंट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स होंगे। स्टोरी में भी शायद इंडिया और श्रीलंका की होगी, क्योंकि बहुत सी जगह श्रीलंका के सीन्स दिखाए गए हैं। और ट्रेलर को देखने के बाद एक चीज तो ये साफ पता चल रही है कि अक्षय कुमार की एंट्री मूवी में सबसे लेट होगी, यानी एंड में। अब मूवी में और कौन कौन से एक्टर होंगे ये तो मूवी आने के बाद पता चलेगा,